नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। गोदावरी नदी के तट पर स्थित नासिक महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिम में मुंबई से 150 किलोमीटर और पुणे से 205 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह सातवाहन वंश के राजाओं की राजधानी थी। मुगल काल में नासिक शहर को गुलशनाबाद के नाम से जाना जाता था। 1932 में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने नासिक के कालाराम मंदिर में अस्पृश्यों को प्रवेश दिलाने के लिए आंदोलन चलाया था। अपने अतीत में नासिक एक बौद्ध स्थल था। यही नासिक शहर से 8 किलोमीटर दक्षिण में स्थित पांडुलेनी यानी गुफाएं हैं। पवित्र बौद्ध तीर्थ स्थल है। त्रिवाश्मी हिल्स के पठार पर बनी यह गुफाएं 2000 साल से अधिक पुरानी है। राकट परंपरा में निर्मित पांडु गुफाएं बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों से सुसज्जित है। लगभग 200 वर्षों के कालखंड में निर्मित यहाँ पर गुफाओं की संख्या 24 है। समुद्र तल से 3000 फीट की ऊंचाई पर स्थित इन गुफाओं में जो शिलालेख है उनकी भाषा प्राकृत तथा लिपि ब्राह्मी है। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में निर्मित पांडु गुफाएं पर्वत के ठीक बीचों बीच बनी है। ऊपर तक जाने के लिए पर्वत की तहलटी से ही सीढ़ियां बनाई गई है जिनकी संख्या लगभग 500 होगी। सह्याद्री पर्वतमाला के इस पर्वत का नाम त्रिरश्मि पर्वत है, इसलिए इन गुफाओं को त्रिरश्मि गुफा के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि बौद्ध भिक्षु पीले रंग के यानी पांडु वर्ण के कपड़े पहनते थे, इसलिए इन गुफाओं का नाम ही पांडु अथवा पांडव गुफा पड़ गया था। प्रारंभिक चरणों में इन गुफाओं का संबंध बौद्ध धम्म की हीनयान शाखा से था। कालांतर में महायान का भी प्रभाव यहाँ पर पड़ा। भारत ग्रीक वास्तुकला का उत्कृष्ट समामेलन यहाँ पर द्रुतव्य है। गुफाओं में शिलालेख 3, 11, 12, 13, 14, 15, 19 और 20 सुपाठ्य है। शिलालेखों में भट्टपालिका, गौतमी पुत्र सप्तकर्णी, सातवाहनों के वशिष्ठ पुत्र पुलवामी, दो पश्चिमी क्षत्रप उषावदाता और उनकी पत्नी दक्षिमित्रा तथा यवन इंडो ग्रीक धम्मदेव नाम है। गुफा संख्या 2 में अधूरा चौरी भालू के साथ बुद्ध देव और बोधिसत्व शामिल है तथा दीवारों पर मूर्तिकला है। गुफा संख्या 3 गौतमी पुत्र विहार है। यह सातवन राजा द्वारा द्वितीय शताब्दी में बनवाया तथा समर्पित किया गया है। गुफा संख्या 4 काफी नष्ट हो गया है तथा काफी गहराई से पानी भरा हुआ रहता है। गुफा संख्या 18 एक चैत्य कक्ष है जिसमें एक मनोहर स्तूप बना हुआ है। ऊंचे ऊंचे खंभों से युक्त उस हाल में आवाज गूंजती है। इसी तरह की चैत्य संरचना कानेरी गुफाओं में भी है। गुफा बौद्ध भिक्षुओं को आश्रय प्रदान करती थी। गुफा का हॉल 41 फीट चौड़ा और 46 फीट गहरा है जिसमें तीन तरफ एक बेंच है। गुफा में सामने की पोर्च पर 6 खंभे हैं। यहाँ का प्रवेश द्वार एक शैली में अशिष्टता से मूर्तिकला है जो सांची के प्रवेश द्वार की याद दिलाता है। दरवाजे पर 3 प्रतीक है, बोधिसत्व, दागोबा और चक्र। साथ में पूजा करने वाले भी है। प्रत्येक तरफ एक द्वारपाल फूलों का एक गुच्छा पकड़ रहा है। बरामदे में अष्टकोणीय स्तंभ है। गुफा संख्या 6, 7 और 8 में शिलालेख है जिसमें उनके दानदाताओं का जिक्र है। गुफा में सातवाहनों के राजा कृष्ण का 100 से 70 ईसा पूर्व का शिलालेख है। गुफा नंबर 3 में बुद्ध देवी की विशाल छवि है जो 30 फीट ऊंची है। कमल के फूल पर उसके पैरों से बैठी हुई है। गुफा नंबर 8 एक चैत्य डिजाइन है। मित्रों, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नए वाले चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, ज्वाइन बटन के जरिए चैनल के सदस्य जरूर बने और हाँ, फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय, जय भीम।